ओके जी, आज मैंने वेट अ मिनट, आज मैंने खुद से वचन लिया था, खुद से वादा किया था कि अगर वर्कआउट करके आने के बाद मुझ में बोलने की हिम्मत बची ना तो मैं आज वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। लेकिन आई फील लाइक कि अब करनी पड़ेगी अपलोड। मुद्दा सीन ये है आज का कि सी टी फ्लेचर का नाम तुमने सुना होगा। ही इज़ लाइक कुछ साल पहले के जो बॉडी बिल्डर्स होंगे जिनको फिटनेस का शौक होगा उनको पता होगा उसका। न्यूज़ कुछ नहीं पता उतना, लेकिन लेट मी टेल यू, ही वॉज लाइक वन ऑफ द बेस्ट वन आर्म्स वर्कआउट के अंदर और बारबेल स्ट्रिक्ट कर्ल्स के अंदर और वट्सोएवर उसके अंदर बेंच प्रेस के अंदर ना, मतलब कमाल किस्म की उसकी गेम्स होती हैं। और तो आज मैं रैंडमली वीडियो देख रहा था, ठीक है, और मेरे सामने आ गई वीडियो और मैंने कहा क्यों ना वी शुड ट्राई दैट स्प्लिट आउट। तो आज हमारा था भी आर्म्स डे और भैया फर्स्ट टाइम है कि मैं इंट्रो जो हूँ ना वो गेम के बाद बना रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम जो लगाएंगे, बल्कि लगा लिया है मैंने, मेरा जो है वो पास्ट हो गया, आपका प्रेजेंट होगा। तो इट वॉज़ लाइक द बेस्ट 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 वर्कआउट। और आई फील लाइक के वीक के अंदर एक इस तरह का जो है ना शॉकिंग किस्म का वर्कआउट ज़रूर होना चाहिए जिसमें आपकी बॉडी कहेगा भाई बस कर दे, घर ले जा, बहुत हो गया है। लिटरली फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं बोलूँ क्या इस टाइम, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस वीडियोज़ जो हमारी हैं तो मैं पता है कि एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी आती है वो है बोलना। वर्कआउट का मुझे नहीं पता लेकिन बोलना बहुत अच्छा आता है। तो लेकिन आज जो है ना वो वाला काम भी नहीं किया जा रहा। तो जी विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट और वर्कआउट। आर्म्स डे, बाइसेप एंड ट्राइसेप, डेडिकेटेड एंड टू एंड इंस्पायर्ड बाय सी टी फ्लेचर। लेट्स गो मैन। ओके जी, सबसे पहली गेम जो है हम करेंगे, अगर मैं इस टाइम ये बैठ के बना रहा हूँ तो इट मीन्स कि मैं अपना इंट्रो जो है पोस्ट वर्कआउट का वो बना चुका हूँगा एंड आई होप कि मेरी बुरी हालत हुई होगी। लेकिन खैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्पायर्ड बाय सी टी फ्लेचर हमारा जो वर्कआउट है उसमें सबसे पहले जो है वो ट्राइसेप की गेम होगी, जिस पे हमने बिल्कुल फ्लैट लेट के ज़मीन के ऊपर ही, और हमने करने हैं इसका आप जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि आपने लाइटेस्ट वेट से स्टार्ट करना है, सॉरी हैवीएस्ट से स्टार्ट करना है और लाइटेस्ट के ऊपर जाना है, और हर वेट के आपने 20 रेपिटेशन लगाने हैं विदाउट स्टॉप, ठीक है। और उसके बाद सेम आपने दोबारा लाइट से बैक टू हैवी के ऊपर आना है, तो 20-20 रेपिटेशन इसके अंदर होंगे और इट वुड बी ट्राइसेप एक्सटेंशंस। स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गो। अब उस तरह के हमें मोटिवेशन तो नहीं मिलेगी सी टी फ्लेचर वाली पीछे से ऊंची ऊंची बोलने वाली, लेकिन वेल वी हैव टू कॉप सम हाउ, कोई मामला तो करना पड़ेगा। खैर जी स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। डन विद दिस, नेक्स्ट मूव करते हैं। वेट भी है ना, हमने खुद ही उठाना है। वैसे इस गेम के अंदर पार्टनर का होना ज़रूरी है, लेकिन मे बी इन फ्यूचर आप में से किसी के साथ ही लगा रहे हो। खैर जी लेट्स गो। ओके लेट्स गो मैन। Three.
स्टॉप मैन मैन लेट्स गो। इमेजिन करो कि सीटी तुम्हारे सर पे खड़ा हुआ है। अभी पहली गेम है, इट्स गोना बी फन मैन। ओके जी, लेट्स मूव बैक टू द हैवीएस्ट। ओके जी, कैमरा एंगल चेंज करने में जितना रेस्ट हुआ बस वही हुआ है, मूव करते हैं। लेट्स गो। Let's go. You can do it, man. Let's go. The last one. ऐसा लग रहा है जिस तरह जगमग हो गया हर तरफ। डैम, देखने में आसान लग रहा था भैया, यू डेफिनेटली शुड ट्राई इट आउट। मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट गेम के ऊपर, लेट्स गो। ओके जी, सेकंड जो गेम है वो है बाइसेप रिस्ट्रिक्ट कर्ल्स है वॉल के साथ। एक एक रैप लगाएंगे, इसकी प्रोटोकॉल अभी है कि एक रैप लगाना है, वेट जो है मैक्सिमम पे लेके जाना है, जितना भी हम लगा सकते हैं। टोटल हम इसके लगाएंगे थ्री सेट्स, मतलब सिंगल रैप थ्री सेट्स। लेट्स गो। वेट मारे नहीं लाइट था। लेट्स गो अगेन। आओ जरा, बिल्कुल लाइट में हल्का सा पुश करना। अभी नहीं। पहली दो अटेम्प्ट फेल, तीसरी में एंड पे थोड़ी सी पुश के साथ जो हुआ है। पता नहीं क्या चक्कर है,
फाइव इंक्रीज़ किया था तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, फाइव कम किया तो तीन रैप लग गए। एनीवेज मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट गेम के ऊपर। ओके जी, हमारी थर्ड गेम। अच्छा, इसका प्रोटोकॉल ये है कि सिंपल बेंच प्रेस है ये, और इसके हमने लगाने टोटल 15 सेट्स, और हर सेट के जिस तरह उसकी फिगर है ना वन है तो वन लगा के वापस रख देना है, मतलब रेपिटेशन भी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेट होगी। जब हम 15 तक जाएंगे तो हमने सेम वेट के 15 रेपिटेशन लगाने हैं। लेट्स गो। बेस के ना करवाएं भाई। वन, ओके दैट वाज लाइट। टू, टू, थ्री, थ्री, फोर, टू, थ्री, फोर, फाइव, टू, थ्री, फोर, फाइव, फोर, सिक्स, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, हो, सेवन, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एंगल भी थोड़ा सा चेंज कर लें। इसके दरमियान में रेस्ट का ये मामला है कि जितना कम हो सकता है उतना लेना है, लेकिन ले सकते हो। एट, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, नाइन, ओह फक। Let's go, boy. 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah. Oh. Angle 15 gun. ओके जी, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. अब तो बोला भी नहीं जा रहा भैया, अब तो बोला भी नहीं जा रहा। 13, Thirteen. You can do it, man. Let's go.
यार ये प्ले हुई है ना भाई भी मसरूफ सॉरी 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 अभी ना हुई होती प्ले तो बस फिर 14 लेट्स गो मैन भाई माजरत बार बार एंगल में चेंज कर रहा हूँ लेकिन आई हैव टू बस मेरे पास कैमरा मैन नहीं है ओके लास्ट वन जी 15 15 We can do it. Let's go. Let's go. Two, three, four, five, six. Lightweight. I'm fucking done. अब फील वो वाली आ रही है जिसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता फक मैन इट वाज द बेस्ट वन टिल नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट गेम के लिए इसको ओके जी नेक्स्ट गेम जो है वो हमारी है हैमर कर्ल बाइसेप के लिए और जो ओरिजिनल गेम थी ना सिटी फ्लेचर जो मैं फॉलो कर रहा हूँ इस टाइम वो थी प्रीचर कल इसके बाद लेकिन प्रीचर की मशीन जो है वो एक ही है यहाँ पे और वो ऑक्यूपाइड है इस वजह से वेट हमने करना नहीं है ज़्यादा तो स्टार्ट करते हैं हैमर कल से इसका भी प्रोटोकॉल सेम है 1x1 एंड जब 12 पे जाएंगे तो 12x12 और इसके अंदर रेस्ट जो है उसकी नस्बत थोड़ा और कम लेट्स गो ओके 12.5 लेट्स गो बॉय 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 लिटरल जो है ऐसे से ट्रेम्बलिंग हो रही है 5 1 2 3 4 5 Oh damn man 5 6 1 2 3 4 5 6 You can do it खुद को खुद मोटिवेशन दो भैया 7 1 2
3, 4, 5, 6, 7. Change. Nine. I feel like अगर मैंने बिल्कुल भी अब गाना लिया रेस्ट I'm gonna pass out. 9. Let's go. Boy. 1, 2, 3, 4, 9. Ten. 9. 8. 11. मुझे नहीं लग रहा कि 12.5 से बाकी दो होंगे, रेट थोड़ा सा कम कर लेते हैं 10 तक. 10 11 1 2 3 4 6 7 8 9 10. Oh fucking fuck. One more to go. 12. जी आज का डेली रिमाइंडर पानी पीने का. और लोग आज मेरा खुद कोई होश नहीं है स्टिल. ओके जी नेक्स्ट हमारी गेम है ट्राइसेप. और अब इसके अंदर उसमें सीन ये था कि वहाँ पे बंदे थे दो, ठीक है, और दे वर शफलिंग द वेट रैंडमली. मतलब कोई जो दूसरे वाला उसका पार्टनर था वो कोई भी अपनी मर्जी का रैंडम वेट लगा रहा था. तो हम इसका इस तरह करते हैं कि हम अपने मिनिमम से स्टार्ट करते हैं और अपने मैक्सिमम तक जाते हैं और फिर मैक्सिमम से वापस आते हैं. सो इट वुड बी लाइक सम काइंड ऑफ ड्रॉप सेट प्लस पता नहीं कौन सा सेट. पहले ही स्टार्ट करते हैं हाफ स्टैक से और फिर मूव करते रहते हैं नीचे. लेट्स गो. ओके टू ग्लेज बढ़ाएंगे, रेपिटेशन हम 10 ही लगाएंगे. लेट्स गो. दो
Okay, the angle change. Third set, let's go. Okay, you wait again, change. Two blades down. Third था ये, third के बाद. Third था, second था. वो भी भूल गया भाई क्या था. खैर वेट अब मैंने काम कर दिए, फिर दोबारा बढ़ाएंगे. Let's go. Two, three. Let's go, boy, let's go. Okay, we are done with today's workout. Now, जल्दी से करते हैं posing and then finished. Let's go. Front double bicep. Cramp, fucking cramp. हो गया भाई, बैक डबल पैसे. Shh.